चलिए, तो फरीदाबाद में भी गणतंत्र दिवस को लेकर के सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कुछ इसी तरह की स्थिति वहां पर भी है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। 26 जनवरी को लेकर फरीदाबाद पुलिस लगातार अलर्ट पर है ताकि किसी भी अनहोनी घटना से समय रहते निपटा जा सके। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बम स्क्वाड की टीम है या फिर और जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर बस स्टैंड है उस पर जांच कर रही हैं। तमाम जो टीमें हैं वो लगातार इस बात को लेकर तय करने में लगी हुई हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और साफ तौर पर जो असामाजिक तत्व हैं उनको भी समय रहते हुए उन पर नज़र रखी जा सके। तमाम सामान की जांच यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं यात्रीगण हैं जो, उनके सामान को भी पूरी तरह से डॉग स्क्वाड की तरफ से चेक किया जा रहा है, और साथ ही बम निरोधक दस्ता भी साथ में है ताकि अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसको मौके पर ही जो है निपटाया जा सके। साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जांच अभियान चल रहा है। 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए हैं, और कहीं ना कहीं 25 और 26 तारीख को भारी वाहनों की एंट्री भी फरीदाबाद में बंद रहेगी। तमाम जो नाके हैं वो लगाए जाएंगे, और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो फरीदाबाद के साथ जो भी दिल्ली का बॉर्डर है या फिर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, अगर वो भी लगते हैं तो वहाँ पर भी जांच जो है सुचारू रूप से चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं जो भारी वाहन है वो दिल्ली की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो वो KGP या KMP का मार्ग ले सकते हैं। पुलिसकर्मी लगातार जांच को लेकर अलर्ट पर हैं, और साफ तौर पर कह सकते हैं कि हमारे साथ यहां पर इंचार्ज हैं उमेश जी, इनसे हम जान लेते हैं। उमेश जी, किस बात को लेकर चेकिंग की जा रही है? ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष में बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर वो भारी डॉग बम स्क्वाड और ये डॉग की टीम के साथ चेकिंग की जा रही है। कितने पुलिसकर्मी पूरे जिले में लगाए गए हैं? 2000 के करीब लगाए गए हैं, और चप्पे पे पुलिस है। और 25 और 26 जनवरी को भारी वाहनों पर भी रोक लगाई गई? हाँ बिल्कुल, वो रूट डाइवर्ट कर रखे हैं, उसके लिए हमारे PRO साहब ने अलग से प्रेस विज्ञप्ति दे रखी है। क्या मानते हो, क्या किस चीज की जांच यहाँ पर की जा रही है? यहाँ कोई संदिग्ध कोई चीज या कोई किसी प्रकार का कोई एक्सप्लोसिव या और कोई ना हो, इस प्रकार से क्या अपील करोगे अगर कोई संदिग्ध वस्तु है तो वो पुलिस को किस तरीके से सूचित करें? जगह जगह पुलिस के नंबर दिए गए हैं, हमने भी नंबर दे रखे हैं पुलिस को, और यहाँ भी पुलिस लगातार तैनात की जा रही है। तुरंत पुलिस को बताएं अगर संदिग्ध कोई चीज दिखाई दे रही है तो। होटल और जो OYO है उनकी भी क्या जांच की जा रही है? लगातार चेकिंग जा रही है, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम तक लगातार चेकिंग की जा रही है, और कोई भी किसी प्रकार की कोताही बरता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं नहीं कहीं अगर कोई भी कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो यात्री हैं जो अपना सामान लेकर यहाँ पहुँचे हैं उस सामान की भी जांच की जा रही है, और सुनिश्चित करने में जो पुलिस लगी हुई है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, क्योंकि 26 जनवरी के मद्देनज़र लगातार जो है जिस तरीके से तमाम अधिकारी और पुलिस कर्मचारी लगातार सड़कों पर भी उनकी तरफ से जांच अभियान चलाया जा रहा है, और यहां पर देख सकते हैं कि बैग की जांच जो है की जा रही है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उस बैग को खोल के भी देखा जा रहा है कि आखिर ये बैग में आखिर है क्या। कहीं ना कहीं लगातार जो जाँच है वो जो है उनकी तरफ से, पुलिसकर्मियों की तरफ से, बम निरोधक दस्ता है उसकी तरफ से भी की जा रही है, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसको जांचा जा रहा है क्योंकि ये बैग यहाँ पर जो रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं लगातार जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। बम निरोधक दस्ता साथ में, डॉग स्क्वाइड की टीम है, और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ में पुलिस है, और जांच की जा रही है तमाम बैगों की। जो भी यात्री यहाँ बैग लेकर पहुँचे उन बैग की पूरी तरह से जांच करने के बाद ही उनको आने दिया।